हेलो दोस्तों, मैं हूं इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स साइल स्केटिंग कॉलेज से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बहुत यूनिक और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप्स। स्क्रीन पर दिख रही है आपको स्टेप। हर पेरेंट्स का या हर बच्चे का ये सपना होता है कि वो स्केटिंग अगर फील्ड में आता है तो उसको स्केटिंग लिमोमेंट ज़रूर आनी चाहिए या वो स्केटिंग लिमोमेंट ज़रूर सीखे। लेकिन इस लिमोमेंट को हम थोड़ा और हार्ड करके आपको सिखाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बैक लिमोमेंट, बैक स्ट्रेचिंग सिखाने वाले हैं। आई होप आपको मज़ा आने वाला है और कोशिश ये रहेगी कि आप भी हमारे साथ इस स्टेप को सीखें और अपने दोस्तों को, अपने जहाँ पर आप स्केटिंग करते हैं वहाँ पर अपनी अलग पहचान बनाएं। और आज की इस वीडियो में हमारा साथ देने वाली हमारी टैलेंटेड गर्ल्स यूर्वी, ये आपको ये स्टेप्स करके दिखाने वाली है और सिखाने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बैक स्ट्रेचिंग फर्स्ट पहली चीज़ तो ये कि फ्रंट में स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब उसको आप बैक में कर रहे हैं तो डबल हार्ड हो जाएगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंट में स्ट्रेचिंग, वैसे मैंने लेसन बना रखा लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि स्ट्रेचिंग सबसे बेटर स्ट्रेचिंग होती है क्वाड स्केट पे, जो अभी हमने पहन रखे हैं। ठीक है, क्वाड स्केट से बेटर स्ट्रेचिंग ना तो रोलर पे होती है, ना इनलाइन पे, ना अदर स्केट्स पे। पहले आप फ्रंट स्ट्रेचिंग देख लीजिए। इधर यूर्वी, इधर नॉर्मल स्ट्रेचिंग दिखाओ फ्रंट में आराम से। फर्स्ट गुड, ये वाली जो स्ट्रेचिंग है इसको बोलते हैं फ्रंट स्ट्रेचिंग। एक बार वापस, यू विल कम अगेन, नॉर्मल स्ट्रेच फ्रंट में आराम से, घबराना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्ट्रेचिंग है फ्रंट, अब इसको पहली चीज आप समझ लीजिए, बैक स्ट्रेचिंग करने से पहले आपको ये फ्रंट स्ट्रेचिंग आना ज़रूरी है। इसको सिखाने का तरीका मैंने बता रखा है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेचिंग होती कैसे। कम पहले मैं फ्रंट में ही सिखाता हूँ ताकि बैक में आपको इजी रहेगी। आप इधर आ जाइए, देखिए स्ट्रेचिंग का जो तरीका है, आपको हाइपर स्केट चलाना आ गया, उसके बाद आप स्लोली स्लोली, पहले आप हल्का सा चलाएंगे, यहाँ से शूज़ को पकड़ेंगे, फिर इसको हल्का हल्का धीरे धीरे खोलेंगे। अब इस लेवल पर लाने के बाद आप इसको रोक के रखें, ठीक है, पूरा एकदम से ना खोलें। फिर दिखाओ एक बार, हल्का सा थोड़ी सी खोलनी स्ट्रेचिंग, चलो। हाँ, अब यहाँ रोक के रखो, शूज़ पकड़ो, बस ज़्यादा नहीं, इससे आगे नहीं। अगेन इधर आ जाओ, मार्कर है उधर, अगेन वापस दिखाओ, पकड़ो धीरे, बस यही रोक के रखो। फर्स्ट आपको इस लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, पहले दिन पहले आपको इसको फ्रंट में करना होगा। फिर जब आपकी ये यहाँ तक दो चार दिन में होने लग जाए, मतलब आपके मान लीजिए कि 2 फीट तक होने लग गई, आपको यहाँ पे लेके चल रहे 2 फीट हो रही है, उसके बाद फिर आधा फीट और बढ़ाएं। बस जैसा बच्चे की क्वालिटी होती है वैसे वैसे आप स्ट्रेचिंग करवाते जाएं, धीरे धीरे करके आपकी ये पूरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब इसको फिर जब ये पूरी स्ट्रेचिंग हो जाए तब आप इसको बैक में कन्वर्ट करेंगे, और बैक में भी यही प्रोसेस है। कम यूरी, कम यार, बैक में भी सेम प्रोसेस है। इधर आओ, पहले बैक में स्लो, इस बच्चे को ये जो स्टेप्स है, अभी 5 या 6 दिन ही हुए इस स्टेप को सिखाए हुए इस बच्ची को, यूँ नहीं कि उसको कब से करा रखी, अभी मैंने 5-6 दिन पहले इस बच्ची को ये स्टेप्स दिए और फाइनली आपके सामने भी ये करके दिखाई। एक बार बैक स्ट्रेच करके दिखाओ, आराम से, है ना, कोई घबराना नहीं है। सेंटर स्ट्रेच, लुक आप देख सकते हैं कितना बेटर कर रही है ये, और ये सिर्फ 6 दिन की प्रैक्टिस है। 6 दिन पहले इसको नहीं आता था और अभी भी ये इसकी ये स्टेप्स चल रही है, आज भी इसकी यही स्टेप चल रही है। तो इस पहले फ्रंट में कीजिए, आप डायरेक्टली सोचिए कि नहीं सर ने बताया कि बैक में करनी है तो मैं डायरेक्टली बैक करूँ, इसमें दो चीज़ें जो सबसे बुरी है, मैं ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो दिक्कत आती है या जब भी बच्चे सीखते तो उनको क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको बता दूँ। यू विल कम कम, देखिए बैक में जब बच्चा स्ट्रेच करता है या फ्रंट में भी करता है तो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, बच्चे का फेस, आप स्ट्रेचिंग तो सेम प्रोसेस वही है, बैक में भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको पकड़ के धीरे 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 पुश करते रहिए, खोलते रहिए, 1 फीट खोला, फिर 2 फीट खोला, 2.5 फीट खोला, 3 फीट खोला, जल्दी ना करें कि आज ही पूरी स्ट्रेचिंग करके दिखा दें हम आपको या हम कर लें ताकि कल हमें अच्छा, ऐसा नहीं। 7 दिन लीजिए, 7 दिन में आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी कोशिश कीजिए, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जल्दी रिजल्ट मिलता है। बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मसल थाई मसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनफैक्ट मैं जैसे, मुझे देख लीजिए, मुझसे इतनी बेटर स्ट्रेचिंग नहीं होती, बिकॉज मैंने अभी इस उम्र में स्केटिंग की है, मतलब मैं जब छोटा था जब मैंने नहीं की तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये इशू रहता है, बड़ों से बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि थाई मसल्स खिंचाते तो दर्द होता है, बच्चों में फ्लेक्सिबल बॉडी होती है तो बढ़ती एज है तो उसमें इजीली हो जाता है।
इसमें क्या होता है, जो वीक पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ, पहली चीज़ आप ब्रेक ले रहे हैं, स्ट्रेचिंग ले रहे हैं, तो सडनली क्या होता है, कई बार यूँ कहीं बच्चा एकदम घिस जाता है तो उसके फेस पे लगती है और तो कहीं पे भी लग सकती है, तो इसलिए जल्दी ना करें, बिल्कुल पहले बैलेंसिंग कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, वरना एकदम सडनली गिरता है बच्चा, हेड पर लगती है, नाक पर लगती है, दाढ़ी पर लग जाती है। दूसरा चीज़ ये, और बच्चों को ये बताएं अब फेस किस तरफ रखना है, जैसे यू फेस इस तरफ रख के दिखाओ स्ट्रेचिंग, गो बैक स्ट्रेच, स्ट्रेच करो फेस, देखिए अब उसका फेस उसके लेफ्ट पैर की तरफ है, ठीक है, आपको फेस इधर मेरी तरफ, आपको हमेशा फेस या तो इस शोल्डर की तरफ रखना है या इस शोल्डर की तरफ रखना है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप तो इस तरफ देखिए या इस तरफ देखिए, आपको सामने नहीं देखना, सामने से एक तो स्ट्रेचिंग थोड़ी हाई हो जाती है, जितना डाउन होना चाहिए उतनी नहीं होती, थोड़ी हाई हो जाती है, और दूसरा ये कि इसमें एकदम से यहाँ लगती है इस नीचे वाले हिस्से पे, या तो राइट देखिए लेफ्ट देखिए, और दूसरी एक और प्रॉब्लम ये आती है, एक प्रॉब्लम तो मैंने बता दी कि बच्चा सडनली घिस जाता है तो हेड वेड पर लग जाता है, दूसरा ये कि कई बार क्या स्क्रेच पड़ जाते हैं गाल वगैरह पर या यहाँ पर यहाँ पर फेस के, क्योंकि बैक स्ट्रेचिंग करते हैं, ये जल्दीबाजी करने से ये दिक्कत आती है, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। अब दिखाओ बैक स्ट्रेच करो, स्लो बिल्कुल स्लो, देखिए पकड़ा, धीरे धीरे आपको खोलना है और लेके चलना है, ठीक है, अगेन इधर से टर्न करो, अगेन टर्न, ओके आराम से पकड़ो, आप ड्रेस या आपकी जो भी कंफर्टेबल ड्रेस हो वही पहने, फ्रॉक वगैरह ये या इस टाइप की, अगर गर्ल्स करिए तो इस टाइप की ड्रेस ना पहने, बिल्कुल स्ट्रेचेबल ड्रेस होगी, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक बार वापस दिखाओ, अब मैं आपको धीरे धीरे ये स्लो में भी आपको दिखा दूंगा मैं, बस 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 उधर नहीं कम यहाँ, आपको ये विदाउट स्केट भी स्ट्रेचिंग करनी है, स्केट जरूरी नहीं कि स्केट पहन के आप ग्राउंड पर आए तभी स्ट्रेचिंग करें, विदाउट स्केट स्ट्रेचिंग कर लेंगे आप तो जब ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप घर पे भी हैं तो थोड़ी थोड़ी विदाउट स्केट स्ट्रेचिंग कीजिए तो उसका बेनिफिट्स आपको यहाँ पर ग्राउंड में मिलेगा, तो इस तरीके से ये बैक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पहले आप फ्रंट में कीजिए, इधर यूरी पहले एक बार और फ्रंट में देख लीजिए, पहले आप हाइपर चलाना है क्या, फिर स्लो पकड़ना है, धीरे धीरे फ्रंट में धीरे धीरे करके खोलिए, इस तरीके से फ्रंट में कीजिए, 5-7 दिन आप फ्रंट में ले लीजिए तो पहली चीज़ ये क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद वापस अगेन 5-6 दिन आप बैक में कर लीजिए, बैक में वापस दिखा दो, तो इस तरीके से आप बैक रिमोवमेंट इसको, और हर स्केटर का सपना होता है कि वो ये स्टेप्स कर ले करो, कई बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी इतनी खुलती नहीं है स्ट्रेचिंग इतने लेवल की, तो आप अपने बच्चों का ड्रीम भी पूरा कीजिए और अपने बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल तक स्केटिंग पर लेके जाएं, तो ये स्टेप्स इस तरीके से होती है, बस ये कि आपको टाइम ज़्यादा लेना, जल्दी करेंगे आपके बच्चे के फेस पे निशान आ जाएगा, लग जाएगी हेड वेव नाक पर यहाँ पर, तो इतना जल्दी नहीं कीजिए, लगभग 7-8 दिन लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केट चाहिए स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहे होंगे, इस पे इवनिंग में 7-9 के बीच में कॉल और व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं, और इसी नंबर पे आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं, पेटीएम और फोनपे करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा थैंक्स बटन है और ज्वाइन बटन है, वहाँ पर भी जाके आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं, लोगो दिख रहा होगा इस लोगो पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वीडियो दिख रही होगी इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।